हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियास किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी डिलीशियस ढाबा स्टाइल चिकन करी। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी है, आप इसे इजीली बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा चिकन कितना टेस्टी और जूसी बना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस टेस्टी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 TSP रेड चिली पाउडर, 1/4 TSP टर्मरिक पाउडर। स्वाद अनुसार आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच नमक का यूज किया है। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छे से हाथों से मिक्स करके सारे चिकन के पीसीस को अच्छे से कोट कर लेंगे। इस मैरिनेशन से हमारा चिकन एकदम अंदर से जूसी और मसालेदार बनेगा। यहाँ पे हमने सारे मसाले अच्छे से चिकन पीसेस पे कोट कर लिए हैं। अब हम इन्हें कवर करके फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहे तो इसे आधे घंटे के लिए भी मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं। तो जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक मिक्सी जार और इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया है, थोड़े से धनिया के डंठल को यूज करेंगे और 2 बड़ी हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 गार्लिक को यूज किया है। सारी चीजों को हम मिक्सी जार में डाल देंगे। और बिना पानी का यूज़ किए इसका हम एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। आप चाहे तो थोड़ा बहुत पानी इसमें ऐड कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके का पेस्ट रेडी कर लिया है और यहाँ पे हमने पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। अब इसे हम साइड में रख लेंगे। अब हम हमारे चिकन के लिए मसाले का पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, 1/2 छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच यहाँ पे हम कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पे सारे मसाले हमने ऐड कर लिए हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो पहले हमें थोड़ा ही पानी ऐड करना है, बाद में थोड़ा पानी और ऐड करेंगे जिससे हमारे पेस्ट में गुठलियाँ नहीं बनेगी। और जब हम मसाले हमारे चिकन में ऐड करेंगे तो ये जलेंगे नहीं और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा हमारे सब्जी में, इसलिए हम इस प्रोसेस को कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हमने पेस्ट रेडी कर लिया है। अब इसे भी हम साइड में रख लेंगे। अब हम लेंगे एक पैन और उसमें डाल देंगे 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल हमारे चिकन को सैलो फ्राई करने के लिए। तेल हमारा गर्म हो गया है तो अब हम इसमें एक एक करके हमारे चिकन के पीसेस को ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जितने आपके पैन में इजीली चिकन के पीसेस समाए बस उतने ही ऐड करने हैं। ज़्यादा आप पीसेस ऐड कर देंगे तो ये पानी छोड़ देगा। तो इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से पलटते हुए सेलो फ्राई करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे चिकन को 2 से 3 मिनट हो गए हैं तो अब हम इसे पलट लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा चिकन यहाँ पे अच्छे से सेलो फ्राई हो गया है, इसके ऊपर हल्के मार्क्स आ गए हैं। तो बस हमें इसे 5 से 7 मिनट ही कुक करना है, जब तक ये 30% से 40% कुक हो जाए। बाकी को हम इसे ग्रेवी के साथ में पकाएंगे। फ्रेंड्स, चिकन को सेलो फ्राई करने से जब हम इन्हें ग्रेवी में ऐड करेंगे तो ये चिकन के पीसेस टूटेंगे नहीं और सॉफ्ट बने रहेंगे अंदर तक, तो इसलिए हम इसे अभी सेलो फ्राई कर रहे हैं। तो बस हमारा चिकन यहाँ पे सेलो फ्राई हो गया है तो इसे हम साइड में रख के आगे की प्रोसेस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम ले लेंगे एक दूसरा पैन जिसमें हम हमारे चिकन के लिए ग्रेवी प्रिपेयर करेंगे। तो अब इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल को हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल हमारे यहाँ पे गर्म हो गया है तो अब हम इसमें थोड़े से खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 बे लीव्स ले लिए हैं, 3 हरी इलायची, 1 काली इलायची और 2 सिनेमन स्टिक और 4 यहाँ पे हम लौंग यूज़ करेंगे। तो सारे खड़े मसालों को ऑयल में ऐड कर देंगे और मसालों को ऑयल में फ्लेवर छोड़ने तक कुक कर लेंगे। और इसने अपना फ्लेवर भी ऑयल में छोड़ दिया है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा अनियन वाला प्रिपेयर किया हुआ पेस्ट। अनियन पेस्ट को हमें मीडियम फ्लेम पे अच्छे से चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए भून लेना है। तो यहाँ पे हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और प्याज को अच्छे से भून लेंगे।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे प्याज को हमने अच्छे से भून लिया है 5 से 6 मिनट तक, और इसका सारा पानी हमने सुखा लिया है और हल्का सा ऑयल भी रिलीज हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा प्रिपेयर किया हुआ मसाले वाला पेस्ट, और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए प्याज के पेस्ट के साथ में अच्छे से भून लेंगे। हमारा मसाला यहाँ पे अच्छे से भून गया है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 बड़े टमाटर की प्यूरी, आधी छोटी चम्मच नमक। तो फ्रेंड्स हमने पहले भी मैरिनेशन में नमक का यूज़ किया था, तो आप उस हिसाब से इसमें नमक एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसे भी हम अभी 5 से 6 मिनट के लिए मसाले के साथ में भून लेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे टमाटर भी मसालों के साथ में अच्छे से भुन गए हैं और हमारे टमाटरों ने ऑयल भी रिलीज कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें टमाटरों को अच्छे से भुनना है जिससे हमारी ग्रेवी टेस्टी और दानेदार बने। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमने जो सेलो फ्राई करके रखा था चिकन, वो सारा इसमें ऐड कर देंगे और इसे ग्रेवी के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन हमारा मिक्स हो गया है, तो अब हम इसे कवर करके 5 मिनट के लिए ग्रेवी के साथ में पकने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स 5 मिनट बाद अब हम चिकन को चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने मसाले के साथ में चिकन को 5 मिनट तक छोड़ा था और अच्छे से ये मसाले में कोट हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच दही। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने दही को अच्छे से फेंट के यूज करना है जिससे हमारी ग्रेवी में दही के लम्स ना बने और दही फटे ना। तो इसे हम जल्दी से अभी मसाले और चिकन के साथ में मिक्स कर लेंगे और करीब 1 से 2 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा दही भी अच्छे से भुन गया है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो पानी यहाँ पे मैं 1 कप यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जितनी पतली या गाढ़ी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स हमारे चिकन को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसे देख लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आप चिकन मसाला भी ऐड कर सकते हैं, और साथ ही में ऐड कर देंगे 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी जिसे हम हाथों की हेल्प से क्रश करके ऐड करेंगे जिससे कसूरी मेथी का फ्लेवर और इन्हेंस हो जाता है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और वापस से इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे मसालों के साथ। फ्रेंड्स अब हम इसे धनिया पत्ती से गार्निश कर लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा चिकन एकदम टेस्टी और जूसी बना है और इसकी ग्रेवी एकदम दानेदार और लटपटी बनी है। तो इस चिकन को एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही टेस्टी जूसी चिकन बनके रेडी है। फ्रेंड्स आपको ऐसी ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।